तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी सत के एक और दिल दहला देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ी हुई एक ऐसी अनोखी कहानी लेकर। कहानी नहीं दोस्तों, हमेशा की तरह ही एक ऐसा सच्चा किस्सा लेकर दोस्तों, जिसे आप लोग आज सुन लेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भगवान के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा अडिग हो जाएगा। दोस्तों आज की ये कहानी ये साबित कर देगी कि इस दुनिया में बहुत ही जल्द भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कि भगवान कल्कि अवतरित होने वाले हैं, जिसके बाद कलयुग का अंत होगा, पापों का विनाश होगा और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। लेकिन कैसे, आखिर क्या सबूत है इसके, क्या जानकारी है हमारे पास? आज मैं आप सभी लोगों को विथ प्रूफ ये बताने वाला हूं कि कैसे यह साबित हो गया कि भगवान कल्कि जल्द से जल्द इस दुनिया में हम लोगों के बीच में आने वाले हैं। कहां आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, आज के इस वीडियो में सब कुछ पता चलेगा। अगर आप लोग भी जानने के उतने ही ज्यादा इच्छुक हैं तो बने रहिए अंत तक। सन 1739 के आसपास जयपुर में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है। आखिर ये कौन सा मंदिर है, कैसा मंदिर है, इसी कहानी थोड़े पीछे जाकर समझते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान कल्कि का अवतार कैसे आने वाला है इस दुनिया में, इसका क्या प्रूफ मिला है। एक मंदिर था जिसका निर्माण कराया था महाराजा सवई जयसिंह द्वितीय ने सन 1739 के आसपास। यह मंदिर का निर्माण इसलिए कराया था क्योंकि महाराजा सवई जयसिंह द्वितीय के एक बेटे थे, सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था महाराजा शिव सिंह। महाराजा शिव सिंह के भी एक बेटे हुए जिनका नाम हुआ कल्कि। कोइंसिडेंटली कल्कि का कुछ समय बाद, मतलब अपनी जवानी में ही बहुत कम उम्र में देहांत हो गया किसी एक अज्ञात बीमारी के चलते। अब जो कल्कि थे उनकी याद में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने एक मंदिर का निर्माण कराया जो आज के टाइम में सिटी पैलेस है उसके बिल्कुल सामने। वो मंदिर था भगवान कल्कि का, यानी भगवान विष्णु के 10वें अवतार का, एक ऐसा अवतार जो अब तक अवतरित भी नहीं हुआ है। हमारे वेद पुराण और ग्रंथों में जिसकी हमें जानकारी मिलती है, जानकारी ये है कि भगवान कल्कि 10वां अवतार लेके एक घोड़े में सवार होकर कलयुग में आएंगे और जितने भी पाप है पापों को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भगवान कल्कि के प्रशिक्षण का जो काम है वो भगवान परशुराम और बजरंगबली के पास होगा। भगवान कल्कि भगवान श्री कृष्ण के ही सुदर्शन चक्र का उपयोग करके पापियों का विनाश करेंगे। खैर इसके बारे में तो अपने एक वीडियो में मैं बता ही चुका हूं, तो लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, भगवान कल्कि के अवतार को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि क्या प्रूफ है आखिर हम लोगों के पास। ये ऐसा है कि हमारे कुछ ग्रंथ हैं जिसमें लिखा गया है कि भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल नाम के गांव में होगा, जिनकी माता का नाम होगा सुमति। ये एक हमेशा घोड़े में सवार रहेंगे जिनके घोड़े का नाम होगा देवदत्त। अब ये घोड़े का क्या किस्सा है, इसी घोड़े से खुलता है भगवान कल्कि के अवतरित होने का एक राज। दरअसल महाराजा जयसिंह ने जो एक मंदिर का निर्माण कराया था वो अपने भविष्य के फ्यूचर गॉड के एक तरीके से देखा जाए उनका मंदिर था, एकमात्र, मतलब पूरी दुनिया में पहला ऐसा मंदिर जो कि भगवान आए भी नहीं है उनके नाम पे बना दिया गया। और ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था जो फ्यूचर से जुड़ा हुआ था। दरअसल भगवान कल्कि का ये जो मंदिर था उसके बिल्कुल मेन गेट यानी गर्भगृह के अपोजिट में एक और मंदिर का, छोटे से मंदिर का निर्माण कराया गया जो कि देवदत्त का मंदिर था। देवदत्त कौन, जो कि भगवान कल्कि के घोड़े यानी कि सवारी होने वाले हैं। अब ये जो मूर्ति बनाई जा रही थी देवदत्त की, भगवान कल्कि का मंदिर तो बिल्कुल अच्छी तरह से जैसा नॉर्मल एक मंदिर होता है वैसी तरह से बन गया, जैसी मूर्ति होती है उसी तरह से मूर्ति स्थापित हुई। लेकिन जब देवदत्त की मूर्ति स्थापित करी जा रही थी यानी कि मार्बल से बनाई जा रही थी, तो बनने के बाद ये समझ में आया कि भाई देवदत्त के एक पैर में तो चोट जैसा निशान बन गया है जो कि बहुत कोशिश करने के बाद ठीक ही नहीं हो रहा है। सारे कारीगर थे वो परेशान हो गए, ठीक ही नहीं हो पा रहे, ठीक ही नहीं हो पा रहे, फाइनली उसे छोड़ दिया गया। अब हमारे जो कुछ ग्रंथ है उसको पढ़ने से ये समझ में आया कि एक मूर्ति होगी देवदत्त की जिसके एक पैर में चोट के निशान होंगे, वो चोट के निशान समय के हिसाब से भरते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि देवदत्त के वो चोट के निशान पूरी तरह से भर जाएंगे और जिस दिन वो चोट के निशान भर गए ना उसी दिन भगवान कल्कि का अवतार पैदा होगा। कहां पर, संभल में, उत्तर प्रदेश में, सुमति के घर पे। अब
हैरान होने वाली बात यह है दोस्तों कि जो देवदत्त की मूर्ति है जयपुर के सिटी पैलेस के सामने वाले मंदिर में, उसके जो पैर के जो चोट के निशान है ना, वो भरते जा रहे हैं समय के हिसाब से। जो फोटो या फिर पेंटिंग जो तैयार की गई होगी वो मंदिर के बनने के टाइम में या फिर कुछ समय बाद, उसमें चोट के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं, और अभी के टाइम में आप वो चोट के निशान देखेंगे ना तो काफी फर्क आ गया है, भरते आ गए हैं। अब हम अपने वेद पुराणों की माने तो क्या समझ में आता है कि जल्द से जल्द वो चोट के निशान पूरी तरह से भर जाएंगे। और भगवान विष्णु का 10वां अवतार इस दुनिया में अवतरित हो जाएगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि इन पापियों का विनाश करेंगे और फिर से सत्य की स्थापना करेंगे, यानी कि सतयुग को लेके आएंगे। लेकिन क्या सभी लोगों की मृत्यु हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इतिहास गवाह है, जो भी भगवान की शरण में था, हम द्वापर युग में देखें, त्रेता युग में देखें या फिर सतयुग में देखें, जो युग परिवर्तन होता था और जो भगवान की शरण में होता था, जो अच्छाई की राह पर होता था, उसका कभी विनाश नहीं होता था, वो एक नए युग में आगे बढ़ता था, नए युग को मतलब आगे बढ़ाता था। इसी तरह से कलयुग में भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान बुरा होगा, हर इंसान में थोड़ी ना थोड़ी बुराई होती ही है, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होगा उस समय तक जिसके अंदर अच्छाई होगी, वही युग परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। भगवान कल्कि उसका साथ देंगे, जो भगवान कल्कि पर पूरा आस्था रखेगा, भगवान विष्णु पर अपनी पूरी आस्था रखेगा, वो ही इस दुनिया को, इस एक तरीके से हमारे पिछले युग को दूसरे युग में परिवर्तित करेगा भगवान कल्कि के साथ मिलकर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, कभी भी बुराई का साथ नहीं देना है, गलत तरीके से जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि हमें आखिरी में, लास्ट में ऊपर वाले को अपना चेहरा दिखाना है, उसी हिसाब से हर काम को आपको करना है दोस्तों। कभी किसी को हर्ट मत करो, अपने से बड़ों का आदर करो, जानवरों की सेवा करो, जो कमजोर लोग हैं उनकी कदम कदम पर सहायता करो जितनी आपसे बन पड़े, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिंदगी में। वेद पुराणों को हम साइड में रख दें तो हम कर्मा के हिसाब से भी जाए ना, तो कर्मा के कुछ लॉज हैं जिनके बारे में मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में बता चुका हूं, जो कि इंस्टाग्राम रील्स में, इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोगों को इस तरह की जानकारी भी मिलती रहेगी। तो कर्मा के कुछ लॉज होते हैं। कर्मा का सबसे पहला लॉ होता है, वो ये कहता है कि आप जो दुनिया को दोगे वही दुनिया आपको वापस करेंगी, जिसका नाम है द ग्रेट लॉ, द ग्रेट लॉ ऑफ कर्मा। तो भाई ये है कि आप जिस तरह का रास्ता, जिस तरह की दुनिया, जिस तरह की ऑरा बनाएंगे ना, वही चीज आपको इस ब्रह्मांड से वापस मिलेगी। ये ग्रंथों को साइड में रख दीजिए, एक दूसरी तरीके से सोचिए, आप सब कुछ बदल सकते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। अब सब्सक्राइब क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण यह है दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस तो रेगुलरली आप लोगों के पास लेके आता ही हूं, लेकिन मैं बहुत बार मैक्सिमम टाइम दिल दहला देने वाले खौफनाक हॉरर वीडियोस भी लेकर आता हूं, जिसे देखकर आप लोग जैसे आज चकाचौंध हो गए उसी तरह से एक खौफ में चले जाते हैं। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, हम अगले वीडियो में फिर से एक और बहुत ही कमाल की जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगला वीडियो हॉरर होगा, जुड़े रहो इसी तरह से।